पिछले 70 साल में हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ जैसा पिछले 7 साल में हो गया। अभी हमारे संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी हमारे आरक्षण को छीनने की बात करते हैं। पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हमारे को आरक्षण दिया, हमारे को बराबरी में लाने का हमारे को मौका दिया। ये पिछले 7 साल से कभी मोहन भागवत हो, कभी नरेंद्र मोदी हो, कभी वो रेड्डी हो, इनके तमाम मंत्रीगण और तमाम इनके नेता हमारे खिलाफ, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ साजिश रचते हैं। दिन रात से मेहनत कर रही है और यूपी में अब की बार हम उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने वहां पे जी जान लगा रखा है यूपी में, और यूपी में अब की बार मोदी और योगी का सफाया है यूपी में। कांग्रेस की बात करो, गृह मंत्री दलित होता था सुशील कुमार शिंदे जी, रेल मंत्री दलित होता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप क्या बात करते हो इनकी? क्या सामाजिक न्याय दे देते हैं हमारे को? क्या हमारे को हमारे लोगों में काबिलियत नहीं है कि अच्छा पोर्टफोलियो चलाने की? करती है हम लोग कांग्रेस के साथ ही, कांग्रेस के साथ लग रहा है कि अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस। हाँ, बट श्योर वो अच्छा करे, क्योंकि कांग्रेस ने जो लाई है वही योजना वो लोग फॉलो करे, कुछ नया नहीं कर रहे, जो पहले के थे वही उस पर ही चल के आए। हाँ, फॉलो किया है। उद्देश्य जो पिछले 7 सालों से हमारे समाज, दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो हमारे समाज की बेटियों के साथ रोज बलात्कार पे बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, उसका आक्रोश था। ये हमारे समाज का, पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, कई का हर प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हैं। वो अपना आक्रोश लेके आए हैं, क्योंकि ये सरकार, जो ये सरकार है नरेंद्र मोदी की, ये नरेंद्र मोदी दलित विरोधी, ये पूरे हिंदुस्तान के जो दलित समाज जान गया है, और ये दलित समाज का पूरा जो उद्देश्य है ये लेके आए हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा दलितों की आवाज़ उठाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का दलित समाज आज की डेट में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, नरेंद्र मोदी आपके बारे में कहना, 70 साल से आपने लुटाए देश को, पिछले 70 साल में हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ जैसा पिछले 7 साल में हो गया। अभी हमारे संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी हमारे आरक्षण को छीनने की बात करते हैं। पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हमारे को आरक्षण दिया, हमारे को बराबरी में लाने का हमारे को मौका दिया। ये पिछले 7 साल से कभी मोहन भागवत हो, कभी नरेंद्र मोदी हो, कभी वो रेड्डी हो, इनके तमाम मंत्रीगण और तमाम इनके नेता हमारे खिलाफ, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ साजिश रचते हैं। तो ये मौका, ये संविधान कौन छीन रहा है, कौन छीन? हमारे संविधान के बदलने की बात करते हैं, ये रातों रात पार्लियामेंट में कानून बना लेते हैं और अपने आप ही इस कानून को पास करा लेते हैं। कल भी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो जितनी भी महिलाएं सांसद है विपक्ष की, सब महिला सांसदों को मार्शल के द्वारा उठा के बाहर फेंक दिया गया। कभी इतिहास में होया किसी महिला सांसद को उठा के बाहर फेंका? कभी इतिहास में ऐसा होया है? कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस सबका सम्मान करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। मुस्लिम के भी साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए उसके लिए भी आप आवाज उठा रहे हैं? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी सब धर्मों की, सब जातों की पार्टी है, उसके लिए कोई विशेष, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। कांग्रेस पार्टी सब धर्मों की और सब जातियों की बात करती है। 2014 से भी पहले ऐसे एट्रोसिटी या ऐसे दलितों के साथ रेप जैसी घटनाएं लगातार नजर आ रही थी, 12 में आपने देखा निर्भया के साथ? नहीं, 12 में निर्भया के साथ होया तो नरेंद्र मोदी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब नरेंद्र मोदी जी रोड पे आके, अभी भाषण सुनो, कहते थे निर्भया के साथ हो जाए। पिछले अभी रात को हम 2 बजे म्यूर बिहार थाने से आए, रात को 2 बजे त्रिलोकपुरी में 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। ना तो नरेंद्र मोदी जी का कोई मंत्री, ना उनकी पार्टी का कोई पदाधिकारी, ना श्रीमान केजरीवाल जी का कोई मंत्री, ना उनका कोई पदाधिकारी, कोई नहीं पहुंचा। ये सरकार सो रही है और कांग्रेस जाग रही है। 22 में क्या करोगे सर? चुनाव है दो यूपी में, उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी दिन रात से मेहनत कर रही है, और यूपी में अब की बार हम उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने वहां पे जी जान लगा रखा है यूपी में, और यूपी में अब की बार मोदी और योगी का सफाया है यूपी में। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के वोटों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं। नहीं नहीं, क्या हम फिर वही बात आई, हम किसी विशेष धर्म की, विशेष जाति की बात ही नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है। हम दलितों के मुद्दे को लेकर आए, क्योंकि मैं दलित कांग्रेस से संबंध रखता हूँ, हम दलित कांग्रेस को मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए। कांग्रेस पार्टी
कि जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब जातियों को, सब धर्मों को साथ लेके चलती है। चाहे आप लोकसभा में देख लीजिए, पार्टी संगठन में देख लीजिए और यहाँ भी देख लीजिए। राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च पद जो है भाजपा ने ऑफर किया दलितों को है, हम यही तो देश का दुर्भाग्य है, यही तो। अरे इससे आपको याद नहीं है कांग्रेस ने उससे पहले के आर नारायण जी क्या दलित नहीं थे क्या? क्या मीरा कुमार दलित नहीं थी क्या? के आर नारायण जी, आप बताइए मुझे, के आर नारायण जी भी दलित है? इससे पहले कांग्रेस ने, इन्होंने तो अभी रबर स्टैंप बना के आर नारायण जो इतने बड़े विद्वान थे, कांग्रेस पार्टी ने तो उनको देश का राष्ट्रपति बनाया था। में सबसे ज्यादा दलितों की संख्या मंत्रियों की। अरे क्या कौन से पोर्टफोलियो के दलितों के पास है? आप कांग्रेस की बात करो, गृह मंत्री दलित होता था सुशील कुमार शिंदे जी, रेल मंत्री दलित होता था मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आप क्या बात करते हो इनकी? क्या सामाजिक न्याय दे देते हैं हमारे को? क्या हमारे को, हमारे लोगों में काबिलियत नहीं है कि अच्छा पोर्टफोलियो चलाने की? तो दे रही ना ऑफर, क्या क्या ऑफर दे रही है? हमारे हमारे दलित समाज के मंत्रियों को एक अच्छा पोर्टफोलियो बताइए कि किसके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है। सुनिए ना, आपके ये मन में जहन में ये बात है क्या? मेरे माइंड में ये जहन में ये बात है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दलितों को एक रख सकती है और दलितों की रक्षा कर सकती है। कांग्रेस का अलग ठिकरा फोड़ रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं 370 हटा दिया। नहीं, आप उस विषय पे मत जाइए। अब आप दलितों की बात कीजिए, 370 की दलितों की बात कीजिए, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, सब दलित कांग्रेस के साथ। महिला उत्पीड़न को लेकर लगातार सवाल बनता जा रहा है कि दलितों के साथ और भी तरह कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? महिलाओं के साथ जो अन्याय होते आए वो बीजेपी राज्य में ज्यादा ही हो रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करे, मोदी जी पूछ भी नहीं रहे क्या हो रहा है। तो कांग्रेस पहले से करी, अब भी करती है, हम लोग कांग्रेस के साथ ही। कांग्रेस के साथ लग रहा है कि अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस? हाँ, श्योर वो अच्छा करे, क्योंकि कांग्रेस ने जो लाई वही योजना वो लोग फॉलो करे, कुछ नया नहीं कर रहे, जो पहले के थे वही उस पे ही चल के आए। हाँ, फॉलो किया है। महंगाई चरम पर है, जिस तरह से रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, आप एक गृहिणी होंगी, महिला हैं, तो कैसे देखती हैं? गैस का तो एकदम गृहिणी को भी प्रॉब्लम है, बच्चों को भी, उनके दूध खाने पीने की चीजें महंगे, और जो अपने युवा है उनके लिए पेट्रोल डीजल भी महंगे। मोदी जी ने कोई अच्छा किया ही नहीं है, सबके साथ बुरा ही हुआ है। महंगाई राष्ट्रहित में है कुछ दिन के लिए, कुछ नहीं, फिर बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, छोटे लोग तो और दब दब के मर रहे हैं, क्या राष्ट्रहित हो रहा है उससे? विकल्प क्या है मैडम, क्या विकल्प हिंदुस्तान के पास? कुछ है विकल्प? दिख रहा है कुछ विकल्प? हाँ, विकल्प दिख रहा है। मोदी जी का, मोदी जी आए तब से भ्रष्टाचार चालू हो गए। 15 लाख डालने वाले थे गरीब के खाते में, तो कुछ डाला नहीं है, और पेट्रोल डीजल बहुत महंगा किया है, और बहुत अत्याचार अन्याय हो रहा है। 9 साल के बच्चे के ऊपर बलात्कार हो गए, अभी तक लोग नहीं मिले। ये क्या कर रही है सरकार, क्या मुंह ढक के बैठी है? शेतकरों के ऊपर अन्याय किया है बहुत, मोदी सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। हमको कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस आम आदमी के साथ चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, और गरीबों को न्याय देने वाली पार्टी है। हमको भाजपा नहीं चाहिए, भाजपा सरकार लुटेरों है, और पेट्रोल इतना बढ़ गया कि लोग काम को जाने के लिए तरस रहे, तो कैसे जाए? पेट्रोल और डीजल को ही पैसा दे।